नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। नजर डालते हैं इस हत्याकांड के मामले पर, जहां घरोंडा के कुताना गांव में हुए डबल मर्डर का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नजदीकी गांव गगसीना का निवासी है। घटना के 48 घंटे के अंदर आरोपी को काबू कर पुलिस ने सत्ता का परिचय दिया है। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी सचिन कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि घटना वाले दिन गगसीना निवासी प्रिंस पुत्र सुरजीत पुनिया व उसके एक अन्य साथी ने घटनास्थल के नजदीकी खेतों में शराब पी। शराब पीने के बाद वो घटनास्थल पर गए। इसके बाद प्रिंस का साथी वहां से चला गया, जबकि प्रिंस वहीं पर रह गया और उसने वहां रह रही महिला ओमपति से छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पर उसके पति राम किशन ने उसे ऐसा करने से रोका तो प्रिंस ने उसके सिर पर ईंट से वार किया, जिससे वह वहीं पर गिर गया। इस पर महिला ओमपति ने प्रिंस का विरोध किया तो उसने वहां रखी कस्सी से महिला के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे घसीट कर कुछ दूर खेतों में ले गया। वह अधमरी हो चुकी महिला से रेप करने की कोशिश की। आरोपी ने वहां पर गिरे खून के निशान को मिटाने की कोशिश की व चारपाई पर खून के छींटे गिरे होने के कारण उसे आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि मुखबिरी के आधार पर प्रिंस का पीछा किया गया था। प्रिंस गांव छोड़कर भागने की फिराक में था कि उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। सर, इसमें हमने जो कल ये मर्डर हुआ है, इसमें हमने इसको एक शक के आधार पर एक व्यक्ति को राउंड अप किया था, जिसको बात पूछताछ हमें क्लियर हुआ कि प्रिंस सन ऑफ सुरजीत पुनिया और ये वासी गगसीना का है और इसकी उम्र 24 साल है, जिसने कि परसों रात को अपने एक दोस्त के साथ पास के खेत में बैठ के शराब पी और शराब पीने के बाद ये उस स्थान पर गया जहां पे कल वो वारदात हुई है। और वहां पे जाने के बाद फिर इसने जो दूसरा लड़का था इसके साथ, वो तो इसको छोड़ के वहां से चला गया। ये वहीं पर रुक गया, तो ये भी शराब के नशे में था और जो मरने वाला व्यक्ति है वो वहीं पे था। तो इसने उसकी वाइफ के साथ ओमवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। छेड़खानी शुरू करने पे ओमवती के हस्बैंड ने, राम किशन ने एतराज़ किया, जो इसने फिर तैश में आके वहाँ से ईंट उठाई और उसके सिर में दे मारी, जिससे वो अधमरे स्थिति में आ गया। और इसके बाद ओमवती ने इस पर हल्ला मचाया कि आपने मेरे हस्बैंड को क्यों मारा है, तो इसने वही ईंट से ओमवती के सिर पे भी वार कर दिया और फिर ओमवती भी वहाँ पे घायल हो गई। फिर इसने वहाँ से कसी उठाई और कसी उठाकर दोनों के सिर पर वार किए और जो वो वहीं पर मर गए। और उसके बाद इसने ओमवती को घसीट कर, जो पास में 50 मीटर की शायद वो दूरी थी, तो वहाँ वो लेके आया और उसके साथ फिर रेप करने की कोशिश की। अभी हमने केमिकल एग्जामिनर के लिए उनका वो भिजवाए हैं स्वैब, उसकी पुष्टि उनकी रिपोर्ट आने के बाद हो जाएगी। बाकी अभी तक तो यही बात है कि इसने कोशिश की है उसके साथ मारने के बाद से, जैसे वहाँ पे इनके साथ झगड़ा किया, ईंट मारी और फिर कसी वगैरह मारी, तो वहाँ खून के काफ़ी निशान हो गए थे, जो इसने फिर हमें बताया कि अंदर कमरे में भी मैं गया तो अंदर लाइट नहीं थी, तो मेरे को ये डाउट था कि कहीं पे मेरे खून से सने हुए हाथ जो लग गए या कहीं पे खून के धब्बे रह गए या जो वो चारपाई जो इसने जलाई है उस पर भी खून के निशान थे, जिसको इसने मिटाने के लिए उन सब चीज़ को जलाया। 302 और उसके बाद 448, 201 में सेक्शंस में दर्ज है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।